गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इसमें फर्स्ट सम है अपना सर्कल द ओड नंबर्स एंड अंडरलाइन द इवन नंबर्स। पहले बेटा आपको बताऊंगी इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं बेटा जो 2 के टेबल में आ जाते हैं, जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, ऐसे जो 2 पे डिवाइड हो जाएं। और ओड नंबर वो होते हैं बेटा जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 5 को करेंगे 2 से तो 2 2 4, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि 2 से जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता उसको क्या कहते हैं जी, ओड नंबर। जैसे 1 3 5 7 11 13 15 17 19 कितने भी हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट सम है अपना कि सर्कल द ओड नंबर, सर्कल करने हमने ओड नंबर के ऊपर, लास्ट लास्ट वाला डिजिट देख लोगे आप, 2 2 जो है 2 के टेबल में आता है तो उसको क्या करेंगे अपा नहीं वो, और अंडरलाइन द इवन नंबर है तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है। अब लास्ट 8 5628, 8 क्या है इवन नंबर, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। 8142, तो ये क्या है जी, ये भी इवन नंबर है तो इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। 5367, तो 7 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं आता तो बेटा ये ओड नंबर है इसलिए इसको सर्कल कर देंगे। 4826, 6 क्या है इवन नंबर तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे ही इसमें 0 जो है बेटा वो इवन नंबर है, इसको अंडरलाइन करेंगे। 3 लास्ट वाला जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसको सर्कल, ओड नंबर है ये। 4 फिर जो है वो अपना इवन नंबर आ गया। 9 जो है वो ओड नंबर है और 2 फिर इवन नंबर है। ऐसे ही 3169, 9 जो है वो ओड नंबर है, 6 इवन नंबर है, 4 वो भी इवन नंबर है, 3 ओड नंबर है और 4 जो है वो ये अपना है इवन नंबर।